मिर्ची एफएम इज नंबर 1 इन सिंगापुर। और किसके सुनिए यार, हमारे एक सच्चा साथी है मिर्ची एफएम लंबा साथी। आई लव मिर्ची एफएम, इट्स सो हॉट। देखिए मैं लाल लाल खाए में हाय हाय टंगी टंगी तौबा में मिर्ची एफएम इज हॉट। हियर एट रग्बी टाउन सिंगापुर लव लिसनिंग टू मिर्ची एफएम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। मिर्ची एफएम इज नंबर 1 इन सुबा, इट्स हॉट। हम वहींगली लंबासा में रहता है तो के का बताए, हम मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम बहुत जुलुम जुलुम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में तमाम लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च के स्वर्गीय राष्ट्र प्रधान रेवरेंड डॉक्टर तुकीला किला वांगाई रातू के अंतिम संस्कार में भाग लिए। डॉक्टर वांगाई रातू ने लगभग 42 साल यानी 42 ईयर्स तक मेथोडिस्ट चर्च में अपनी सेवा प्रदान करते आए हैं। डॉक्टर वांगाई रातू पिछले साल अगस्त में मेथोडिस्ट चर्च का प्रधान आचार्य यानी प्रेसिडेंट के पद संभालने को नियुक्त किया गया था। टोंगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मिनिस्टरों ने रेवरेंड वांगाई रातू के अंतिम संस्कार में भाग लेने आए थे। उनका अंतिम संस्कार आज दिन में 2 बजे नसोरी स्थित बेका हॉल नवुलेवु में किया गया था। 23 वर्षीय अमेरिका निवासी जिससे 20 किलोग्राम कोकेन पकड़ा गया था को अगले महीने की 7 तारीख तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। एलक एडन को आज शाम सुबह हाईकोर्ट में पेश किया गया था। एडन ने पिछले मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया से फिजी आया था और नसोरी एयरपोर्ट पर उनके लगेज की तलाशी लेने पर कोकेन पकड़ा गया था। एडन ने उस दिन से एयरपोर्ट से फरार होने में सफल रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसको नांदी में गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मुकदमे को हाईकोर्ट में अब सुनाया जाएगा। पश्चिमी विभाग यानी वेस्टर्न डिवीजन में लिम्फेटिक फिलेरिसिस बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री इस महीने के अंत में एक सर्वे करेगा और अगर इसमें पाया गया है कि पश्चिमी इलाके में बहुत ही कम लोगों की इस बीमारी का शिकार होते हैं तब पश्चिमी विभाग को फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरिसिस घोषित किया जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीजेस एडवाइजर डॉक्टर माइक कामा ने बताया कि भले ही इन लोगों की संख्या में गिरावट हुई है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस बीमारी के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है। अधिकारियों ने एक महीने के सर्वे में पश्चिमी इलाके के क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों पर नज़र रखने का लक्ष्य रखे हुए हैं। केंद्रीय यानी सेंट्रल और पूर्वी यानी ईस्टर्न डिवीजन में अभी भी लिम्फेटिक फिलेरिसिस के शिकार लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। और खेलकूद में वोडाफोन फिजी सेवन्स टीम ने आज राकी राकी में अपने एक सप्ताह के ट्रेनिंग को समाप्त किए हैं। कोच बेन रायन का कहना है कि टीम अगले महीने में होने वाले टोक्यो तथा हांगकॉन्ग सेवन्स के लिए तैयारियां कर रही हैं, जिसके अंतर्गत 21 मेंबर स्क्वाड में से फाइनल 12 मेंबर टीम का चुनाव किया जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। देश की धड़कन रेडियो फिजी 2 इज नंबर 1 इन सिंगापुर का। मैं लंबासा के निवासी, मेरा नाम प्रेम चंद्रा है। देश की धड़कन रेडियो फिजी 2 को मेरा सलाम। नैनी में देश की धड़कन रेडियो फिजी 2। रेडियो फिजी 2 में देश की धड़कन मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेडियो फिजी 2 इज नंबर 1 इन सिंगापुर का। नैनी में मेरा धड़कन है रेडियो फिजी 2। हम ननुपुर की क्रिय रहता है और हम रेडियो फिजी 2 हरदम सुनता है। हमें रेडियो फिजी 2 सुनो बहुत अच्छा लगे, आप भी रेडियो फिजी 2 सुनो। देश की धड़कन रेडियो फिजी 2।